अब कहा भैया सोचो हम लोग कहाँ गार्डन गार्डन देखो गार्डन दिखाई तुमका यू देखो हरी हरी घास है भैया लंबा लंबा पेड़ लगा पड़ा है कतना गजब का दृश्य दिखत है लेकिन ना तो ये लखनऊ है ना बम्बई है ना दिल्ली है यू तो हमारे बाराबंकी जिले का हरक ब्लॉक पड़ जाता है दौलतपुर गाँव पड़ता है और पद्म श्री राम सौ वर्मा जी का गार्डन है भैया उन्हें फार्म हाउस है देखा तो भैया खेतवा में घर बना रखे और बहुत गजब तरीके से हरी हरी घासें भी लगाई है। अब चाहे खेती की बात हो चाहे भैया गार्डन की बात हो इनका भैया घर भी देखोगे फार्म हाउस भी देखोगे या भैया इनके घर में रखे हुए जो अवार्ड देखोगे उनको देख करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब यही तरह भैया दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जौन जौन किसान भैया इनके लगे आवत है सबका मोटिवेट कर देते हैं फिर वो सब किसान का भैया दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं मन लगाए कि सब जने खेती करते हैं और भैया प्रदेश मां नाम रोशन करते हैं। तनिक सुनो पद्मश्री राम सौ वर्मा जी का बता रहे थे कि देखो भैया इनका बचपने से मन लगता रहा है यही तरह खेत में घर हुआ है और बढ़िया हवा चला करे पर्यावरण के बीच में। रामचरण वर्मा जी और ये गाँव है दौलतपुर हरक ब्लॉक का गाँव है बाराबंकी का दौलतपुर। अभी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया गार्डन बना हुआ है आपके घर के सामने। ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। एक किसान होते हुए आपने इतना बढ़िया बनाया है। रामशरण जी कैसे आपने इसको डेवलप किया? नहीं हमारे मन में एक उत्साह था जी कि पहले तो हमारे मन में उत्साह था कि हमें खेत में मकान बनाएं वहीं पर हम खेती भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं खुली हवा में। रहने के लिए हमको सबसे पहले ये कोई मनुष्य को जरूरत है शुद्ध हवा, तो शुद्ध हवा के लिए गांव के बाहर हमने जमीन खरीदा वहां पर मकान बनाया। फिर हमको अच्छा लगा कि हम पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे के साथ धीरे धीरे हमने यहां पर लान बना दिए 2 एकड़ की। इससे हमको जो है हमारे मन को शांति मिलती है जी। और देखने में अच्छा लगता है और जो हमारे किसान भाई आते हैं तो देख करके मोटिवेट होते हैं कि अब खेती भी एक अच्छी जीवन का रास्ता है। हम अच्छी तरीके से दिल गार्डन गार्डन होने वाली बात है। यहाँ देख के लोग अभी आए थे दिल्ली उल्ली के लोग आपका यही सब देख रहे थे लोग रहे थे कहीं कोई किसी पार्क में आ गए हैं बड़े कोई तो एक उनको लगता है कि हम भी एक अब खेती करके एक हमें प्रेरणा स्थल है एक किसानों का प्रेरणा स्थल है कि किसान है देखे कि एक किसान खेती करके भी ऐसा कर सकता है। अब खाली खेत में घर नहीं बना सकता है भैया घर के अंदर बकदा देखा था अवार्ड खातिर एक कमरा भी बना सकता है। शीशक बकदा बना रखी ना भैया बहुत फिनिशिंग देकर कि इतना गजब तरीके से अवार्ड वाला कमरा की पूछो ना एक से बढ़कर एक भैया इनको अवार्ड भी मिले पूरे देश भर में भैया सम्मानित किए गए और लोगों का जागरूक भी करते हैं किसान का मोटिवेट भी करते हैं। फल चक्र के बारे में भी देखो तो बिल्कुल झांकी लगा रखे हैं गजब तरीके का। सुनो भैया क्या बता रहे थे पद्मश्री राम सौ वर्मा जी का आवास है ये और आप जूम करके दिखाते हैं शीशे का एक हाल बना हुआ है इसमें आपके सारे अवार्ड रखे हुए हैं। कई हाल दिखाते हैं इसमें आपके अवार्ड हैं देखिए पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दे रहे हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम जी कंधे पर हाथ रख के शाबाशी दे रहे हैं योगी जी देखिए कृषि मंत्री शाही जी तो ये रामशरण जी का बाराबंकी के गौरव रामशरण जी। अब खाली देश भर से नहीं भैया विदेशों से लोग आओ थे यहाँ पर देखा खातिर कि पद्मश्री राम सौ वर्मा जी की प्रकार से खेती करते हैं भैया और इनकी खेती तौर तरीका का है बहुत कुछ इनसे लोग सीखत भी हैं और जो किसान डिमोटिवेट हुआ था वो इनका देख करके मोटिवेट भी हो जाते हैं। देखा तो भैया दौलतपुर गाँव के दौलतमंद किसान है हमारे पद्मश्री राम सरन वर्मा जी गजब का दर्शन दिख रहा था इनके आवास का हमने कहा तनिक आपको दिखा दे और किसानों को थोड़ा बहुत मोटिवेटो कर दे। बहुत किसान भाई कहा कर कह रहे भैया तनिक दिखावा करो किसानन की भी खबर है तो देखो पद्मश्री राम सौ वर्मा जी से कुछ सीखो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शिवम भैया से हर जो खबर से मिलेगी दबाद बने कसके और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में भैया एक दो किसान का कार्यक्रम लावा करके आप लोग कार्यक्रम कीजिएगा।